नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जिसका बहुत इंतज़ार था वो दिन अब आ चुका है। यानी कि हम जानते हैं कि CBSE ने कुछ दिन पहले ही जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो है एक सर्कुलर भेजा था कि 26 अप्रैल से जो है आपके 10th और 12th के जो है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो है 26 अप्रैल से लेकर आखिरकार अपनी एग्ज़ाम जो है वो कब तक चलेगी। तो वो इंतज़ार अब आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है CBSE ने आज ही जो है एक सर्कुलर भेजा है और उसका जो है डेट शीट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि 10th और 12th की जो है बोर्ड एग्ज़ाम की डेट कौन सी रहेंगी, कौन सा डेट जो है तो आपका कौन सा पेपर रहेगा और आपका टाइमिंग जो है कितना रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 10th क्लास की कि 10th क्लास में जो है वो कौन कौन से जो है आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है और जो कौन से दिन जो है आपकी कौन सा पेपर रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो पर्टिकुलर कब से तैयार हो रही है, सॉरी शुरू हो रही है? तो आपकी एग्ज़ाम जो है 26 अप्रैल से जो है ट्यूजडे के दिन से जो है स्टार्ट हो जाएगी। और जो है आपकी ट्यूजडे के दिन जो है आपका 10:30 से लेकर जो है आपका ये पेंटिंग, राई, गुरुंग, तमंग, शेरपा, थाई, ये जो है सारे आपके, ये जो है मैं यहाँ पर जो राउंड कर रहा हूँ, ये 26 तारीख को आपके जो है क्या रहेगा, ये सारे पेपर रहेगा। जिन जिन का ये सब्जेक्ट है उनको इस तारीख से है जो है एग्ज़ाम देने जाना है। बाकी 27 अप्रैल से है आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, पहला पेपर इंग्लिश का रहेगा। 27 तारीख से यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 27 तारीख को इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 28 तारीख को जो है बाकी सारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, जैसे रिटेलिंग है, सिक्रेटरी है, ऑटोमोटिव है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस, फाइन मार्केट है ना, तो जो है एग्रीकल्चर हो गया, ब्यूटी वेलनेस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये आपके कब रहेंगे, 28 अप्रैल के दिन रहेंगे। वही दोस्तों आगे बात करें तो टू एंड में जो है इसमें 2 मई को है आपका होम साइंस का जो है पेपर रहेगा। टाइम वही रहेगा 10:30 से 12:30, 12:30 तक, यानी कि 2 घंटे का आपका समय रहेगा और 40 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर रहेगा। दूसरा जो है 4 मई की बात करें तो आपके अलग अलग जो है पेपर रहेंगे, वही 5 मार्क्स, 5 मई को जो है वो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स 2 भागों में डिवाइड किया है ना, स्टैंडर्ड और बेसिक्स, तो दोनों जो है जो आपने चूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है 5 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर रहेगा। 6 मई को जो है आपकी सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमी, कन्नड़ा, ये जो लैंग्वेज है सेकंड तौर पर वो उसका रहेगा। 7 मई को, सॉरी 7 मई को जो है आपका संस्कृत का पेपर रहेगा। 10 मई को जो है वो साइंस का रहेगा। 12 मई जो है, 12 मई को आपका जो है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पर जो है अगर मराठी है किसी की लैंग्वेज, किसी की उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, जो भी लैंग्वेज है उसका पेपर जो है कब रहेगा, 12 मई का रहेगा। 13 मई का जो है आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस का जो है पेपर रहेगा। इसके बाद 14 मई है ना सोशल साइंस का जो है आपका पेपर रहेगा। 17 मई की आगे बात करते हैं तो 17 मई के दिन जो है आपका ये बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदुस्तान म्यूजिक, हिंदू म्यूजिक हो गई है ना, नेशनल कैडेट कॉर्पोरस हो गया, तेलुगु, तेलंगाना की, बोडो, अंग्रेज, जापानी, ये सारी भाषा का जो है आपका पेपर रहेगा। 18 मई की बात करें तो हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी का पेपर रहेगा आपका। 21 मई जो है उसका रहेगा अरेबिक, तिब्बतियन, फ्रांस, जर्मन, ये वाली जो सारी भाषा है उसका। और 23 मई को कंप्यूटर एप्लीकेशन का और 24 मई को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि IT का जो है आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है 26 अप्रैल से चलने वाली एग्ज़ाम जो है 10th क्लास की जो है कब ख़त्म हो रही है, 24 मई तक तैयार हो रही जो है ख़त्म हो रही है। तो बच्चों आज ही से जो है आप जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 15 से आपका प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए और अभी से एडवांस में आपको आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अभी से जो है आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए। आपको टाइमिंग भी दिया गया है जो है, और आपका जो है कौन से डेट को जो है
कौन कौन सा पेपर रहेगा वो भी आप लोगों ने देख लिया। अभी ये तो बात हो गई टेंथ क्लास की कि टेंथ क्लास की 26 अप्रैल से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है वो कब तक चलेगी। अभी हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की कि ट्वेल्थ क्लास की जो है कब एग्ज़ाम रहेगी और वो कब तक चलेगी। तो आइए देखते हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो दोस्तों ये है ट्वेल्थ क्लास की डेट शीट कि ट्वेल्थ क्लास की एग्ज़ाम जो है 26 अप्रैल से लेकर आखिर कब तक चलेगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो ये है ट्वेल्थ क्लास की, तो ट्वेल्थ दर्स की भी 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसका भी टाइम जो है 10:30 से 12:30 का ही है, बीच में सब्जेक्ट कोड दिया गया है। 26 तारीख को जो है ट्वेल्थ क्लास का पहला पेपर एंटर प्रिंसिप का रहेगा, दूसरा जो है उसी दिन जो है BTN वेलनेस का रहेगा, है ना, जिनका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये एग्ज़ाम रहेगा। 28 अप्रैल की बात करें तो 28 अप्रैल का जो है बायोटेक्नोलॉजी का रहेगा, एंट्रिंग ग्राफिंग का रहेगा, रिटेल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, फूड नेचुरल एंड डाइटिक्स है, लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस है ना। तो ये पेपर ये जो है सब्जेक्ट के आपको जो है पेपर आपके रहेंगे। वही दोस्तों बात करें अगर हम 2 मई की, तो 2 तारीख को जो है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पेपर रहेगा। 4 मई की बात करें तो कथक डांस हो गया, भरतनाट्यम वगैरह हो गया, यानी कि शास्त्र को लेकर जो है नृत्य को लेकर जो है आपके सारे जो है अपने जो भी सब्जेक्ट चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 6 मई की बात करें तो सोशियोलॉजी का रहेगा, 7 मई को केमिस्ट्री रहेगा, 10 मई को जो है फूड प्रोडक्शन और फिर जो है ऑफिस प्रोडक्शन ऑन प्रैक्टिस एंड डिज़ाइन ये सारे रहेंगे। बाकी सब बात करें तो जो है 11 मई को है ना आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का पेपर रहेगा। इसके बाद 12 तारीख को मार्केटिंग, 13 मई को जो है इंग्लिश कोर या तो इंग्लिश इलेक्टिव का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, और ट्यूजडे को जो है 17 मई को है ना बिजनेस स्टडीज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पेपर रहेगा। 18 तारीख की अगर बात करें तो जियोग्राफी, 19 मई को जो है फैशन स्टडीज़ है ना, और जो है 20 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा, 21 मई को जो है योगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका रहेगा, 23 तारीख की बात करें तो अकाउंटेंसी, 24 मई को जो है पॉलिटिकल साइंस, 25 मई को जो होम साइंस, 26 मई की बात करें तो हिंदुस्तान म्यूजिक वोकल, हिंदुस्तान म्यूजिक मेलिन्स, हिंदुस्तान म्यूजिक पेयरइंस, तो ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट रहेंगे। 27 मई को जो है फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट टाइपोपिकल कंप्यूटर ये सारे पेपर रहेंगे। 28 मई को जो है इकोनॉमिक्स, 30 मई को बायोलॉजी, 31 मई को जो है आपकी उर्दू संस्कृत कैरेंटिक म्यूजिक मेल्स ये सारे सब्जेक्ट का जो है पेपर रहेंगे। 1 जून को जो है एग्रीकल्चर बैंकिंग मास इंडिया स्टडीज़, 3 जून को फिजिकल एजुकेशन, 4 जून की अगर बात करें तो नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन NCC का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, 6 जून को जो है पेंटिंग ग्राफिक्स स्कूप ये सारे, 7 जून को जो है मैथमेटिक्स रहेगा आपका और अप्लाइड मैथमेटिक्स, 9 जून को जो है टूरिज्म एयर कंडीशनिंग रिप्रेजेंटेशन और स्लैमशिप सेल्समैनशिप, 10 जून को बात करें तो हिस्ट्री रहेगा, 13 जून को जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस, 14 जून को जो है लीगल स्टडीज संस्कृत कोर और जो है 15 जून को जो है साइकोलॉजी रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए कि जो ट्वेल्थ का तो टेंथ की हमने बात की तो वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब हो रहा है, 24 मई तक चलेगा एग्ज़ाम, और ट्वेल्थ की अगर बात करें तो वो 26 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा वो कब तक चलेगा, 15 जून तक चलेगा। तो आपका पूरा मई जो है वो पूरा आपके बोर्ड में ही जाएगा, मतलब मई का महीना और आधा जून महीना, तो वैसे वैकेशन भी आपका पीछे जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो है कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई जो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट विल कैरी देयर ऑन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपोर्टेशन बॉटल, है ना, तो आपको सैनिटाइजर भी साथ में लेकर जाना है। कैंडिडेट विल ओवर देयर नोज माउथ एंड नोज विथ मास्क, तो मतलब जो है आपको मास्क भी वहाँ पर साथ में लेकर जाना है। कैंडिडेट विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड अबाउट सिंथ बी टेकन देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ COVID-19, है ना, पेरेंट को भी ये सारे रूल्स मतलब जो है ये फॉलो करने हैं, है ना, एंसर डेट वेट डेट नॉट स्टिक, तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि आपको जो एडमिट कार्ड फर्जियात लेके जाना है,
है ना। तो आपको सारी के सारे जो है ये सूचना है जो है वो आपको पालन करना है, जहाँ इंस्ट्रक्शन जो है उसको आपको फॉलो करने हैं। और ये आज ही का देखिए क्या जो है ये 11 मार्च 2022 का जो है ये आपका डेट शीट आई हुई है। तो आई होप कि आप सभी जो है अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार है। और एडवांस में आप सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और जो है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे, कोई नए सर्कुलर आएगा तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।